हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, राजी खुशी होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक रेयॉन का फैब्रिक है जो कि हमारा अर्ज में भी और लंबाई में भी 1.5 मीटर है। और आज हम आपको इस फैब्रिक के साथ बहुत ही सुंदर टाई कॉलर नेक के साथ कुर्ती रेडी करना सिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा अर्ज में बहुत बड़ा कपड़ा है तो हमने इसको अर्थवाइज ही निकालना है कुर्ती को। और इसकी लेंथ जो है वो सिंगल लेंथ भी में ही बन जाएगा, हमारा फुल कुर्ती रेडी होगी, क्योंकि हमारा ये अर्ज में बड़ा था तो हमने इसको अर्ज वाइज रखकर इस तरह 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इस फोल्डिंग को यहाँ से पिनअप कर लिया है ताकि जब हम इस पर निशान लगाएं और कटिंग करें तो ये हमारा कपड़ा हिले नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ से स्केल को रखते हुए अपना जो ये ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, कपड़ा लेवल में नहीं होता, उसकी किनारियां लेवल में करने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच ली है, जो कि हमारी एक सुंदर और अच्छी फिटिंग की कुर्ती बनाने के लिए, फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इन चारों लेयर्स को बराबर करते हुए और इनके जो रॉ एजेस थे उनको निकालने के लिए छोड़ते हुए एक सीधी लाइन स्केल की हेल्प से लगा ली है। अब इसके बाद हम, क्योंकि एक कॉलर नेक कुर्ती है तो इसमें हमारा बॉट नेक बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना आर्म होल जो है वो 8 इंचेस का लेंगे। तो हम इसको इस तरह से सेंटर से रखते हुए इंची टेप को यहाँ पर शोल्डर्स के लिए 8 इंच मार्क कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल के लिए जहाँ हमने 8 इंच लगाया है वहीं से नापते हुए 7.5 इंचेस अपने आर्म होल के लिए रख लेंगे। और इस तरह हम अपना एक बॉक्स रेडी करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने इंची टेप को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर बिछा कर रख लिया है। अब हम जहाँ पर हमने 7.5 लिया था उसके बाद एक मार्क हम अपने वेस्ट लेंथ के लिए 15 इंचेस पर और एक मार्क्स हम 21.5 इंचेस पर लगाएंगे। और उसके बाद हमारी कुर्ती की फुल लेंथ जो है रेडी 45 इंचेस है। 2 इंचेस मैं उसको नीचे बॉटम को मोड़ने के लिए और फिनिशिंग के लिए रखूंगी, तो 47 पर हम यहाँ मार्क कर लेंगे। उसके बाद स्केल से हम ये 47 को मिला देंगे और जो हमने यहाँ पर 15 इंचेस पर अपनी वेस्ट ली थी, वेस्ट राउंड का मार्क लगाएंगे। इन सभी निशानों को, वेस्ट के, हिप के और फुल लेंथ के निशानों को इस तरह स्केल रखकर हम आगे की ओर बढ़ाते हुए मार्क कर लेंगे। मेरे केस में चेस्ट का मेज़र था 10.75 इंचेस, वो मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। वेस्ट का था 10 इंचेस और हिप राउंड था 11.50 इंचेस, तो वो मैंने यहाँ लगा लिया, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ तो मैंने बॉटम को भी 11.50 इंचेस तक रख लिया है। अब हम इन सभी मार्जिन को मिलाते हुए, मार्क्स को मिलाते हुए और 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पर अपनी कुर्ती की शेप को रेडी कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बिल्कुल फोकस करके दिखाती हूँ। पहले हमने यहाँ से 1/4 इंची अंदर लिया है और उस लाइन को यहाँ आर्म होल लाइन से मिला दिया है और फिर इस पॉइंट पे रखते हुए अपने इंची टेप को यहाँ से 1.5 इंच मार्क किया है और 2.5 इंच मार्क किया है। 1.5 इंच वाली मार्किंग को हम अपने फ्रंट के लिए मिलाएंगे और 2.5 इंच मार्किंग पर हम अपनी बैक के लिए कटिंग करेंगे। पहले हम निशान लगाते। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो ये वाला है 1.5 इंच का, यहाँ से जो हमने 1.5 इंच उठाकर बनाया था, ये हमारी फ्रंट का रहे पल्ले की कटिंग रहेगी। और जो ये हमारी ऊपर से थोड़ी दूर होते हुए आ रही है 2.5 इंच वाली, इसको हम अपने बैक पल्ले पर कट करेंगे। और यहाँ से ये मार्जिन रखते हुए यहाँ पर से हम इसको कटिंग करते चले जाएंगे। अगर आपके केस में भी इस तरह के रॉयजिस साइड में बचे हैं आपके मार्जिन के एक्स्ट्रा, तो आप उनको कट करके जरूर अलग कीजिए। ये ना सोचें कि इस ये हमारे चाक के अंदर फोल्डिंग हो जाएगा, ये जो है ये बाद में हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा और हमारी जो शेप होगी चाक की उसको अच्छा नहीं आने देगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, इसको आप जरूर काट कर, कुर्ती को कट करते वक्त, क्योंकि हम ये दोनों पीस की कटिंग एक साथ कर रहे हैं, तो पहले आप ये बाहर वाली कटिंग कीजिए, गलती से ये अंदर वाली कटिंग ना करें। पहले आप पूरा ध्यान देकर बाहर वाली कटिंग कीजिए और यहाँ पर अपना जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है, वेस्ट का लगाया है और अपने चाक फोल्डिंग का लगाया है और यहाँ पर नीचे
बॉटम फोल्डिंग का लगाया है, यहाँ पर छोटे छोटे कट्स डाल लीजिए दोनों ही पीस पर। फिर हम ये अंदर वाला पीस इसके अंदर से हटा देंगे और अपने सिर्फ फ्रंट पीस पर, ये ऊपर वाले पल्ले पर सिर्फ ही अंदर वाली कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अंदर वाले पीस को निकाल लिया है बाहर, और अब इसको बिल्कुल मिलाते हुए हम जो है अपनी ये फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पल्ले को हमने इस तरह से क्रीज बनाते हुए बिछा लिया है। अब हम इसमें अपने कॉलर के लिए कटिंग करेंगे, सेंटर से फोल्ड करते हुए फ्रंट पल्ले को। इसके सेंटर से हम यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा साइज 36 साइज से ज्यादा की कुर्ती है, तो मैं गले के लिए ब्रॉडनेस 3.25 ले रही हूँ। अगर आपका 36 साइज तक का कुर्ती है तो आप 3 इंची रखें, 3 इंची वाइड और 3 इंची लेंथ उसकी रखें। मैं यहाँ पर 3.25 इंच वाइड ब्रॉड और 3.25 इंच ही लंबाई में इसको रखूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए इस तरह हम हल्की हल्की गोलाई लेते हुए फ्रंट पैनल पे इसकी गोलाई कर देंगे। इसको मैं 3.25 इंच तक रख रही हूँ। इसके नीचे हम 4 इंच तक के लिए वी नेक की कटिंग करेंगे, वो हम पहले बुकरम पर करेंगे और फिर इसमें लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप जस्ट ऐसे मार्क कर लीजिए। बैक पार्ट इस पर भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए और सिर्फ 1 इंच के लिए गहराई लेते हुए मार्क कर लेंगे और अपनी गोलाई में ये मार्किंग को जोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये है फ्रंट की गोलाई, 3 इंच गहराई वाली। ये कट करके निकाल देंगे हम पीस को, और यहाँ अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो उसको भी बराबर कर लेंगे। और ये है हमारा बैक, इस पे भी हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। हमने बुकरम का एक टुकड़ा, अब हम अपने फ्रंट नेक के नीचे जो हमें वी शेप देना है उसके लिए पहले यहाँ बुकरम पे कटिंग कर लेंगे। सेंटर से 1 इंच मार्क कर लेंगे हम, और क्योंकि मेरा साइज 36 से ज्यादा है कुर्ती का, तो मैं यहाँ पर वी नेक को 4 इंच तक रख रही हूँ। अगर आपका 36 या उससे कम है तो आप 3 इंच गहराई रख सकते हैं इसकी। मैं इसको 4 इंच तक ले रही हूँ, 1 इंच सेंटर से बढ़ाते हुए और 1.5 इंच इसके बाद आगे लेते हुए इस तरह से हम एक वी शेप की पट्टी निकाल लेंगे और इसे अपने मेन फैब्रिक पे बनाते हुए, जैसे हम गला पलट कर बनाते हैं उस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह की पट्टी उतार लेंगे हम एक। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको मेन फैब्रिक पर, मेन फैब्रिक के टुकड़े पर चिपकाते हुए और रेडी करेंगे। उसके बाद हम इस मेन फैब्रिक की 4 इंच चौड़ाई से, 4 इंच चौड़ाई से लेते हुए 57 इंच तक एक सीधी पट्टी उतार लेंगे अपनी कॉलर प्लस जो हमारी, जो कॉलर के बाद जो हमारी टाई उसको नॉट करने के लिए बनेगी, इसके लिए हम ये 4 इंच नापते हुए 57 इंच लंबी पूरी पट्टी इस फैब्रिक से निकाल लेंगे। ये हमने अपनी वी शेप की पट्टी इस तरह से रेडी कर ली है, इसके पीछे फैब्रिक लगाते हुए इसको पूरा रेडी कर लिया है हमने, और इस तरह से ये बीच में से कटिंग कर ली है। जहाँ पर हमारी लाइन है उससे थोड़ा आगे से हमने काटा है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह अपने नेक के साथ, राउंड नेक के साथ, ये जो हमारा सेंटर है गले का, जो हमारी सेंटर की लाइन है,
फ्रंट पैनल बिछा लिया है और इस तरह से अपना ये वी शेप के ऊपर ये अपना कपड़ा फैब्रिक लगाते हुए इसको नेक को तैयार कर लिया है। अब इस वी शेप को इस तरह से ये जो हमारी सेंटर की क्रीज है उस पर वी नेक की बिल्कुल ये नोक मिलाते हुए और ऊपर से भी इसको यहां से भी राउंड नेक के साथ एडजस्ट करते हुए हम इसको रखेंगे और जो ये बुकरम के ऊपर हमारी पिंक कलर की लाइन है इस पर मशीन चलाते हुए यहां तक और फिर इधर ऐसे वापस उतारते हुए पक्का कर लेंगे और जो ये बीच का जो पीस है क्लॉथ का फैब्रिक का इसको निकाल देंगे और अपने गले को पलटा लेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटर में सिलाई ले लेंगे ताकि जो ये हमारा वी शेप है ये बिल्कुल इसकी जो नोक है वो अपनी सेंटर पे ही जमी रहे इधर उधर ना हो बिल्कुल सेंटर के साथ मिलाते हुए हम इसको रख लेंगे।